अच्छा, इसका लॉजिक ये है कि लोग यहाँ पे अपना नाम लिख के आप यहाँ पे प्रॉमिस कर सकते हैं और इस लॉक को इसे लॉक कर दो कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, और चाबी जो है इसे इधर अंदर फेंक देते हैं। क्यों किरिस्टा? ओह, वाकई में यहाँ पे कॉइन्स भी डाले हुए हैं लोगों ने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे, अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। कल वाला व्लॉग मेरा बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने जब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि मुझे कौन सी प्लेस कवर करनी चाहिए, तो आप लोगों ने सब ने मुझे बुर्ज खलीफा दुबई मॉल रिकमेंड किया था। तो आपकी रिक्वेस्ट पे वो मैंने व्लॉग बनाया, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा। और आज का दिन शुरू हो चुका है, लेकिन आज मैं कहाँ जा रही हूँ, आज मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ दुबई की सीक्रेट प्लेस। तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होगी, ना देखी होगी आप लोगों ने, मैं भी किसी ने देखी भी हो, लेकिन आज हम लोग वहाँ जाएंगे, वो जगह भी मैं आप लोगों को दिखा दी। अच्छा, और इस सीक्रेट प्लेस पे जाने के लिए मेरे पास है आज एक स्पेशल राइड, वो है ये वाली आज की हमारी राइड है, इस पे हम लोग जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। वैसे चलें जी, लेट्स गो। ये है वो सीक्रेट जगह जिसका नाम है लास्ट एग्जिट। अंदर चल के देखते हैं कि ये प्लेस वर्थ द विजिट है कि नहीं। नीचे तो बिल्कुल रेत है, यहाँ पे देख के मुझे लग रहा है कि वाकई में मैं दुबई आ चुकी हूँ। और बाइक की राइड, उफ। अच्छा, हमेशा मेरा ड्रीम था कि मैं नॉर्थ विजिट करूँ बाइक पे, लेकिन वो वाला ड्रीम तो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं पूरा हो सकेगा, तो वो मेरा ड्रीम यहाँ पे पूरा हो गया, मैंने दुबई में बाइक पे राइड ली, बहुत मज़ा आया। वैसे शुक्र है इस दफ़ा सनलाइट भी है, तो डे टाइम में आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ, हमेशा वरना मैं रात में निकलती हूँ तो कुछ भी नज़र ही नहीं आता था। आगे हम जा रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। हम लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ पे आगे है प्रॉमिस ब्रिज, तो देखते हैं कि वो क्या है। मतलब एक तरह का पिकनिक पॉइंट है ये। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने जो पुरानी चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे रखी हुई हैं, कि मतलब एक एंटीक स्टाइल और उस चीज़ का फील आया। ये देखें इस तरह से, ये गाड़ी हो गई, ये ओल्ड दुबई का लुक आए, मतलब ये पुरानी जो एंटीक चीज़ें हैं, ये जिस तरह से हो गया, फूड रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आप लोग अपनी फैमिली के साथ आओ, इन्जॉय करो, हर एक चीज़ है यहाँ पे। वो है प्रॉमिस ब्रिज, हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या है ये। अच्छा, ये है प्रॉमिस ब्रिज, इसका क्या लॉजिक है, मतलब यहाँ पे आकर आप लोग प्रॉमिस करो? अच्छा, इसका लॉजिक ये है कि लोग यहाँ पे अपना नाम लिख के आप यहाँ पे प्रॉमिस कर सकते हैं, और इस लॉक को इसे लॉक कर दो कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, और चाबी जो है इसे इधर अंदर फेंक देते हैं, लेकिन कटेगा फिर भी सबका। बहुत ही प्यारा। ओह, विशिंग वेल, ये वो है विशिंग वेल। अच्छा, मतलब बिल्कुल कार्टून
वार्मिंग फील भी आ रही है जैसे कार्टून्स में होता है। यहाँ पे आप वाकई में यहाँ पे कॉइन्स भी डाले हुए हैं लोगों ने, कीज भी डाली हुई है। यहाँ पे आप लोग विश मांगो कोई भी और फिर अपने कॉइन्स जो हैं डाल दो। मुझे तो वो कार्टून्स वाली बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं कार्टूनिंग वर्ल्ड में आ गई हूँ, वो वाली फील आ रही है। वो जैसे प्रॉमिस ब्रिज है, फिर ये जैसे विशिंग वेल है, ये वाला हो गया, ये बिल्कुल ऐसे हम स्टोरीज जब कार्टून्स में देखते हैं। हाँ पूरी मतलब एंटीक भी हो गई और कार्टूनिंग और हॉलीवुड फील आ रहा है बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे आगे जाके देखती हूँ कि आगे क्या है उस तरफ। ये तो एरिया, ये वाला पूरा मैंने घूम लिया। अभी हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। वो भी रेस्टोरेंट है आई थिंक। अभी ये है दूसरी साइड, मैं उस तरफ से चल के यहाँ पे आई हूँ, तो ये फिर दूसरी साइड है। मैं घूम लूँ पूरा उसके बाद कुछ खाते पीते। वाओ ये कितना क्यूट बना हुआ है, ये अंदर से इतना प्यारा सा लुक आ रहा है। कॉर्नर मतलब इस तरह से इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है। मतलब एक प्यारी पीसफुल वाइब आ रही है और स्पेशली शाम के टाइम पे मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आई हूँ। इस टाइम पे मतलब बहुत मज़ा है यहाँ, सुकून, सनसेट भी मिल गया देखने को, इवनिंग लुक भी आ रहा है और फिर नाइट टाइम में देखते हैं कि कैसा आ रहा है अभी। यह है वो प्लेस का नाम, लास्ट एग्जिट। चलो अभी हम लोग पानी वगैरह ढूंढते हैं। कवर मैंने इसलिए उतारा है क्योंकि मेरी फोन बिल्कुल हीट हो रही है। लाइफ ऑफ ए ब्लॉगर, क्या करें हम लोग। और आईफोन वालों की मेहरबानियां हैं हमारे ऊपर कि थोड़ी पिक्चर्स बनाओ, थोड़ी फ्लैश ऑन कर लो तो हमारी फोन हीट। अगेन वहीं पे आ गए हम लोग जहाँ से निकली थी मैं, वहाँ पे है वो फाउंटेन वगैरह भी स्टार्ट हो गए। अच्छा यहाँ पे फूड भी आप लोगों को मैं बता दूँ कि हर किस्म का है। यहाँ पे बारबेक्यू स्टेशन है, यहाँ पे बास्किन रॉबिन है, वहाँ पे लॉबस्टर है, आगे मैंने कहीं देखा था कि वहाँ पे सुशी स्टेशन भी था। मतलब हर टाइप का आपको फूड भी मिलेगा, हर टाइप की चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है खाने के हवाले से। और आप लोग आओ अपनी फैमिली के साथ बैठ के मतलब चिल करो, सुकून वाली बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ना कोई बिल्डिंग है आसपास और वाइब इन लोगों ने जो बनाई हुई है पीसफुल वाइब है। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी दी हुई है, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, राइड्स दी हुई हैं। मैं यहाँ पे रात के होने का वेट कर रही हूँ, रात हो जाए तो देखती हूँ रात में कैसा व्यू आता है। रात के टाइम में ये आ रहा है व्यू, रात के टाइम में भी बहुत प्यारा लग रहा है स्पेशली यहाँ इस टाइम। वाओ चलो अभी हम लोग तो निकलते हैं, मैं सिर्फ व्लॉग की वजह से बैठी हुई थी, मैंने कहा कि रात का व्यू भी दिखा लूँ आप लोगों को। अभी मैं चलती हूँ घर, एग्जिट से हम निकल चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ पराठा खाने, यहाँ का फेमस जिसको पराठा खाने। ये है वो लाइट कैफेटेरिया, कैफे तो बिल्कुल छोटा सा बना हुआ है लेकिन इसका पराठा बहुत फेमस है, तो ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। ये रहा जी फ्रांसिस्को पराठा, मेरा आ गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि छोटा सा कैफ़े है तो वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पे सब लोग गाड़ियों में आते हैं, अपनी गाड़ी में आकर बैठ के आप लोग खा सकते हैं।
और मैं गाड़ी पे नहीं आई हूँ, बाइक पे आई हूँ, तो मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ के खा लेती हूँ, मसला ही नहीं है। यम्मी। घर आ चुकी थी बहुत पहले, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया और उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लास्ट एग्जिट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा और रश वाली जगहों को पसंद नहीं करते, एज लाइक मी। मैं बिल्कुल सुकून वाली, जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, इस तरह की जगहें बहुत पसंद करती हूँ। तो लास्ट एग्जिट जो थी वो उस तरह की जगह थी, लिमिटेड लोग थे, चारों तरफ बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी, डेकोरेटेड पीसेस थे, पिक्चर्स के हिसाब से बहुत अच्छी पॉइंट थी, फैमिलीज भी लिमिटेड आई हुई थी, मतलब सुकून वाला माहौल था, तो उस हिसाब से एक बहुत ही प्यारी सी पिकनिक पॉइंट थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने व्लॉग में देखी होगी, आप लोगों को पसंद भी आया होगा, और इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ।